जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ सके। तो बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका है तत्सम और तद्भाव शब्द। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्सम और तद्भाव शब्द से 2-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2-3 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और पूरे ध्यानपूर्वक आज की इस क्लास को आप अटेंड करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी क्लास की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और तत्सम और तद्भाव शब्द, ये जो आपका टॉपिक है ये शब्द विचार का टॉपिक है और जो कि आपके सिलेबस में तत्सम और तद्भाव शब्द पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग डिटेल में न जाकर केवल तत्सम और तद्भाव वाला जो टॉपिक है इसी को पढ़ते हैं और इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द आपका जो होता है, शब्द से पहले क्या क्या चीज़ें होते हैं। शब्द तो आपका बनता है लेकिन शब्द को बनाने में क्या क्या चीज़ें रहती हैं आपकी, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द को जानने से पूर्व हमें उसकी छोटी इकाई जिससे उसका निर्माण होता है अर्थात अक्षर के बारे में जानना आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षर से ही हमारा शब्द का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम अक्षर के बारे में बात करेंगे कि अक्षर क्या होता है। तो साथियों, अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। अक्षर आपका वह ध्वनि है या वह समूह है जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। बात करें शब्द की, तो शब्द आपकी क्या है, भाषा की मौलिक अथवा लघुतम इकाई शब्द है और शब्द आपका सार्थक होता है। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द आपका एक मौलिक इकाई है और लघुतम इकाई है। शब्द आपका सार्थक होता है। सार्थक का मतलब ये होता है जिसका अर्थ होता है। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं होगा तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, उसे मात्र हम ध्वनि कहेंगे। इसलिए एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र, जिसको बोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो और कैसा होना चाहिए, सार्थक ध्वनि है ना, उन सार्थक ध्वनियों को हम लोग शब्द कहते हैं। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आदमी हो गया, नारी हो गया, पानी हो गया, किंतु परंतु, ये सभी आपके शब्द हैं और अगर आप इनके टुकड़े करेंगे तो ये अक्षरों से बने हुए आपको दिखाई देंगे। आदमी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आ अक्षर है, इसके अलावा आपका दाक्षर है और उसके बाद में मी अक्षर है। तो इन तीनों अक्षरों का प्रयोग करके आदमी आपका शब्द बना है और आदमी शब्द आपका क्या है, सार्थक है। सार्थक का एक और अर्थ आप लगा सकते हैं साथियों कि ऐसा शब्द जिसको बोलते समय या जिसका उच्चारण करते समय आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक फोटो, एक इमेज बने। आप आदमी पढ़िए और आदमी पढ़ते ही आपके दिमाग में एक आदमी का चित्र बन जाएगा, इसलिए ये शब्द क्या है, आपका सार्थक है। तो शब्द हमेशा आपके क्या होंगे, सार्थक होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, शब्द के भेद कितने हैं।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आपका शब्द विचार का है, और शब्द विचार में हम लोग डिटेल में ना जा करके केवल हम लोग तत्सम और तद्भाव शब्द टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो शब्द के भेद की बात करें तो शब्द मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें आपका पहला आधार है कि रचना के आधार पर, दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर, और तीसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर, चौथा आपका है रूपांतरण के आधार पर। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भाव शब्द। तो हम लोग बाकी के डिटेल में ना जा करके, यानी बाकी को नहीं पढ़ के, केवल हमारा जो टॉपिक है हम लोग उसी को पढ़ेंगे, और हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। आपका जो तत्सम, तद्भाव और देशज, विदेशज और संकर शब्द होता है, ये सभी आपके उत्पत्ति के आधार पर होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पाँच भेद होते हैं। तत्सम शब्द होता है, तद्भाव शब्द होता है, देशज शब्द होता है, और विदेशज शब्द होता है, और संकर शब्द होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका है तत्सम शब्द, तद्भाव शब्द और देशज शब्द। ये तीनों आपके यूपी टेट के सिलेबस में हैं, और इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्हें हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक, तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द क्या होता है? तो तत्सम शब्द आपका दो शब्दों के संयोग से बना है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम आपका होता है तत्सम। यहाँ पे तत् का अर्थ होता है वह, अर्थात संस्कृत से, और सम का अर्थ है समान, अर्थात तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, अर्थात जो संस्कृत के जैसे होते हैं। उदाहरण है आपका कृष्णा, ग्रह, दक्ष, धर्म, पवन, काष्ट आदि। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, जो संस्कृत के जैसे दिखते हैं। इस प्रकार तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि या रूप परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। मतलब ऐसे संस्कृत शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के या बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्रोत की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में तत्सम शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, है ना? कुछ ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे भक्ति हो गया, रीति हो गया, गृह हो गया, नर नारी, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं। और दूसरा आपका होता है, मतलब थ्री टाइप्स के आपके तत्सम शब्द होते हैं। पहला आपको मैंने बताया जो डायरेक्टली इंटरफेस किए हैं, और सेकंड वाला आपका जो है, जो दूसरा है, वो संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी काल में निर्मित तत्सम शब्द होते हैं। मतलब जो व्याकरण के नियम के द्वारा परिवर्तित हुए हैं, जिनमें परिवर्तन हुआ है, वे शब्द भी तत्सम शब्द हैं। जैसे जलवायु हो गया, वायुयान हो गया, संपादकीय हो गया, प्रवक्ता हो गया, प्रभाग, नगर पालिका, पत्राचार आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर इनको हिंदी काल में निर्मित किया गया है। और तीसरा आपका वे शब्द भी तत्सम शब्द कहे जाते हैं जो अन्य भाषाओं से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए गए जाते हैं या किया गया है। मतलब ये जैसे के तैसे, जो वैसे हैं उनको वैसे ही हिंदी में प्रयोग किया गया, तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रोड हो गया, साइड, पुलिस, कॉलोनी, ये शब्द आपके डायरेक्टली अन्य भाषाओं से लेकर हिंदी में डायरेक्ट इनका प्रयोग किया गया है।
तो साथियों तत्सम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहले टाइप्स के तो वह होते हैं जो डायरेक्टली इंटरफेस किए हैं हिंदी भाषा में, मतलब जो डायरेक्ट आए हैं सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वो भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, जो संस्कृत व्याकरण के नियम के आधार पर उन्हें हिंदी काल में निर्मित किया गया। और तीसरा आपका कि जो कि सभी भाषाओं में है उनको ज्यों के त्यों उठाकर हिंदी में रख दिया गया। ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें तद्भव शब्द के बारे में, तो तद्भव शब्द आपका क्या होता है? तद्भव शब्द भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। ये भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका बना है तत् प्लस भव। अब यहाँ पे तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न। इस प्रकार तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तत् का अर्थ मैंने आपको संस्कृत बताया है, तो तत् का अर्थ हो गया संस्कृत और भव का अर्थ हो गया उत्पन्न। ऐसे शब्द या इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों अथवा तत्सम शब्दों के ध्वनि की दृष्टि से विकसित, परिवर्तित अथवा विकृत रूप हैं। मतलब ये कि इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण है कान्हा, घर, घोड़ा, जीभ, बहू, दूध आदि। ये शब्द आपके तद्भव शब्द हैं और ये संस्कृत भाषा या संस्कृत शब्द कृष्णा, गृह, कार्य, घोटक, जीवा, वधु, दुग्ध से उत्पन्न हुए हैं। कृष्णा से कान्हा बना, गृह से घर बना, कार्य से काम बना और घोटक से घोड़ा बना, वधु से बहु बनी, जीवा से जीभ बना और दुग्ध से दूध बना। तो ये सब आपके संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग तत्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे शब्द आपके तत्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब ये कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदिकाल से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन सभी शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। आई होप आपको तद्भव शब्द भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इसमें विशेषताएं भी हैं उसे बात करें। तो जैसे एक छोटी सी लाइन है, दो लाइन है, इसे आप याद रखिएगा और ये समझने लायक है कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो तद्भव होने पर भी तत्सम जान पड़ते हैं। मतलब ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने में लगेगा कि ये तो तद्भव है लेकिन वो होता क्या है, तत्सम होता है, हाँ, जिस कारण हम उन्हें तत्सम मान लेते हैं। अब इसके स्पष्टीकरण करें तो जैसे एक शब्द है निराशा। निराशा यह संस्कृत का शब्द नहीं है, यह निराशा जो है यह संस्कृत का शब्द नहीं है। यहाँ निराशा शब्द में ए जोड़कर, क्या जोड़कर, ए जोड़कर बनाया गया है। निराश तत्सम शब्द है, एक्चुअल में निराश जो है आपका ये तत्सम शब्द है। निराश में आप जब ए जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है निराशा और निराशा आपका तत्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं वो आपके तत्भव शब्द कहलाते हैं। अगला आपका है साथियों देशज शब्द। मैंने आपको बताया कि आपके यूपी टेट में देशज शब्द से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए बात करते हैं देशज शब्द क्या होता है। तो देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। स्थानीय भाषाओं का या स्थानीय भाषाओं जो बोली जाती है उनका जो प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वही आपकी देशज शब्द कहलाते हैं। वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जाता है, जैसे गद्दा हो गया। गद्दा आपका संस्कृत के गर्त से ही बना है ना। देशज शब्द के उदाहरण की बात करें तो पेट, गाड़ी, लोटा, डिबिया, पगड़ी, कोयला
ये सभी आपके देशज शब्द हैं। देशज का मतलब आप सिंपल साधारण शब्दों में समझ सकते हैं जो हम लोग देहाती भाषा बोलते हैं, आई बात समझ में, उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द की बात करें तो विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगीज इत्यादि, इन सभी विदेशी भाषाओं के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन के द्वारा जब हिंदी में आते हैं तो उन्हें हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। एक उदाहरण समझिए आप, आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर, आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी और कीमत, कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, प्रोफेसर, पोस्टकार्ड, मशीन, ये सभी आपकी क्या हैं? विदेशज शब्द है, क्योंकि इनका जो प्रयोग हुआ है वो आपके विदेशी शब्दों से हुआ है, विदेशी भाषा से हुआ है, जैसे अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगीज हो गया। इसके बाद में आपका एक आता है संकर शब्द, ये भी आपके कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। यानी संकर में अगर आप देखा जाए तो संकर जो शब्द है इसमें विदेशी और देसी, मतलब विदेशी और हिंदी भाषा, है ना, विदेशी और हिंदी भाषा का समावेश किया गया है। अगर मैं साथियों साफ सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसे शब्द जो आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी के हो उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष और लाठी चार्ज, इनमें आपके आधा शब्द आपका अंग्रेजी का है और आधा हिंदी का है, तो इस प्रकार के शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो आई होप साथियों आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हमने तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अगली क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।